अस्सलाम वालेकुम अहलीन व खवातीन, आलियान मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज आलियान कैसर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम सोनी अल्फा 6400 सीरीज को अनबॉक्स करेंगे और उसके साथ ही साथ हम मैन फ्रोटो के स्टैंड पिक्सी प्लस स्टैंड को आज हम अनबॉक्स करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए नाज़रीन इसको अनबॉक्स करते हैं। रहीम जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रहा इसका वारंटी कार्ड। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपके डिवाइस में कभी भी कोई फॉल्ट आए तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं 1 ईयर वारंटी, तो ये बहुत संभालना बहुत ज़रूरी है। तो हम साइड पे रख देते हैं। अगर बात की जाए डब्बे की तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त है, इसकी पैकिंग भी इंतहाई सेफ आता है। ये रहा हमारा सोनी का A65। इसे अल्फा 6400 सीरीज भी कहा जाता है। और इसके मैं आपको कुछ स्पेक्स बताया चलूँ तो वो ये चंद में से ये हैं कि ये 4K HDR है और ये वाईफाई सर्टिफाइड और इसमें ब्लूटूथ की ऑप्शन भी है। तो चलिए नाज़रीन इसे खोलते हैं। ये रहा इसका मैनुअल और आजकल के दौर में इसे कोई भी नहीं पड़ता, बेसिकली यूजलेस। और ये रहा इसका स्टार्टअप गाइड। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे बहुत 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 प्यार से पैक किया गया है। इसमें इसके साथ बाई डिफॉल्ट इसका लेंस जाता है। पहले इसकी बाकी चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद हम कैमरे की तरफ आएंगे। ये रहा इसका चार्जर, जिसको भी चार्जर तक को भी बहुत सेफली पैक किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका प्रोटेक्शन ट्रेनिंग है। ये आपका 3 फेसेस वाला चार्जर है और ये 2 फेसेस वाला। और ये क्या है, ये नाज़रीन सोनी की बैटरी। ये है ये सोनी की बैटरी, ये अडॉप्टर है बेसिकली जो आपके इन चार्जर्स के आगे लगता है और उससे आगे भी आपके कैमरे को लगता है। ये लगना बहुत ज़रूरी है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इन दोनों में किस में। और ये रही हमारी सोनी की इंफल लिथियम बैटरी। नाज़रीन ये बहुत छोटी है, इससे पहले मैं जो नाइकन का D3500 कैमरा यूज़ कर चुका हूँ उसकी बैटरी से बहुत अच्छी थी, काफ़ी लंबी थी, काफ़ी बड़ी साइज। तो ये नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बाकी की चीज़ें हैं जिनको हम अभी साइड पर रखते हैं। जो हमारी मेन चीज़ है कैमरा, उस पर अब हम आते हैं। अमेजिंग, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद है नाज़रीन, जिससे क्या देख सकते हैं ये अल्ट्रा अल्ट्रा अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त। ये रहा है इसके डिस्प्ले क्योंकि मूवेबल है। अब इसको ऐसे ऊपर टिल्ट करेंगे, ये ऊपर आ जाता है और इससे आप इजीली अपना व्लॉग या वीडियो। नाज़रीन आज के बाद आप जो मुझे वीडियोस बनाते देखेंगे वो आप इस कैमरे से मुझे बनाता पाएंगे। नाज़रीन ये इसका लेंस है जो इसके साथ आता है। कुछ शॉपकीपर्स आपको ये कैमरा विद खाली बॉडी देंगे उसकी, लेकिन ये कैमरा मैंने पूरे इसकी स्टार्टर इसकी जो किट है उसके साथ लिया है। इसलिए नाज़रीन इसके अंदर इसकी बैटरी पुट करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको अपने नाखूनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके नाखून छोटे भी हैं तो कोई मसला नहीं, आप इजीली जस्ट इस बटन को पीछे करके खोल सकते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाज़रीन अगर मैं आपको सोनी के इस कैमरे की खासियत बता चलूँ तो उनमें से एक खासियत ये भी होगी कि ये कैमरा की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आप इस कैमरे की बैटरी को मैक्सिमम
मिनिमम 10 आवर्स से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। जो सोनी के बाकी कैमराज हैं वो 10 या 20 और ज़्यादा शूट नहीं करते। इसलिए तो नाजरीन इस कैमरे को ऑन करते हैं, अभी ऑन हो जा। देखूँ तो बैटरी, मुझे उम्मीद है कि ये चार्ज होगी। नाज़रीन लगता है कि इसकी बैटरी चार्ज नहीं है, तो मैं बैटरी चार्ज करके आपके पास वापस आता हूँ। नाज़रीन अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कैमरे को चार्ज कैसे करना है, इसको चार्ज कर लें तो फिर मैं आपको इसके फीचर से आगाह करूँगा। अब इसको खोलना है, आपके जो कैमरे की बैटरी है वो हर वक्त कैमरे के अंदर ही रहेगी। इसको डाल कर आगे की तरफ बंद कर देना है आपका बैटरी लॉक। अब अगर आप देख सकें तो आपके कैमरे की लेफ्ट साइड की तरफ खींचिए, उसको आगे पीछे खींचिए और छोड़ देना है कि आपका कैमरा लग गया। अब आपका कैमरे के अंदर प्लग इन है, ये मैंने ये दो मुंह वाला प्लग इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कैमरे के अंदर स्विच बोर्ड्स हैं वो दो मुंह वाले हैं। नाजी तक अब जब तक हमारा कैमरा चार्ज होता है हम इस स्टैंड को देख लेते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको ये कैमरा स्टैंड के ऊपर ही लगा हुआ दिखाऊंगा। ये स्टैंड है इसका, आप इसको हावी में कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत इजी और मज़ेदार फिट की तरह आपके हाथ में आता है। इसको खोलना भी बहुत आसान है, ट्राईपॉड स्टैंड है। अगर आपके किसी लो लेवल पे आपका कैमरा चाहिए तो जो अक्सर मेरे पास स्टैंड है वो काफ़ी लंबा है अपने जीरो लेवल पे भी, इसी वजह से मुझे मजबूर नहीं लेना पड़ा। और नाज़रीन अगर आप चाहते हैं कि आपका कैमरा मूव कर जाए तो आपको सिंपली इस लाल बटन को दबाना है और अपने इस ऊपर लगे हुए कैमरे को हिलाना है। ये बिल्कुल एक बॉल की तरह है, इसको करना काफ़ी आसान है। बस आप जितनी ज़ोर से लॉक दबाएंगे उतना ही ईजी होगा इसे रोटेट करना। तो नाज़रीन मैं आपको बता चलूँ कि आखिर मैंने अपना कैमरा चेंज क्यों किया। जो इसमें मेरे पास पहले कैमरा था वो था निकॉन D3500 और वो मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि वो एक फोटोग्राफी बिगिनिंग फोटोग्राफी के लिए कैमरा था और उसकी जो ऑडियो के उसके जो वीडियो और ऑडियो के जो स्पेक्स थे वो काफ़ी लो थे। मुझे माइक्स के उसमें इशू आ रहे थे और एक्सटर्नल माइक भी नहीं लगने की ऑप्शन नहीं थी, इसी वजह से मुझे मजबूरन ये सोनी का Alpha 6400 सीरीज़ लेना पड़ा जो कि सोनी की इस वक्त काफ़ी सबसे चीप अपनी प्राइस के लिहाज से अपने स्पेक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा कैमरा माना जाता है। ख़वातीन आप देख सकते हैं कि अभी जो कैमरा है वो चार्ज हो चुका है और अब हमने इसमें डालना है हमारा SD कार्ड। ये आपकी बैटरी का जो ऊपर जगह है उसमें आपका SD कार्ड जो है वो चला जाएगा। अब हमारे कैमरे के अंदर SD कार्ड जल चुका है और मैं अब जो इसे रिकॉर्डिंग करूँगा वो आप मुझे इससे करता हुआ पाएंगे। राजू खवादी अगर आप एक बात और इसे करें तो जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो लेंस बाहर निकल आता है और जब हम ऑफ़ करते हैं तो ये अंदर चला जाता है ऑटोमेटिकली। हमने लेंस बाहर निकाला है और देखा है कुड नॉट रिकवर जी। और अगर हम इसकी डिस्प्ले बाहर निकालना चाहते हैं तो step 1 कि हमने इसको ऐसे खोलना है, उसके बाद हम इसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और इसे मुकम्मल तौर पर खोलेंगे बिल्कुल इस तरह। नाज़रीन ख़वातीन जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस वक्त मैं iPhone XS Max से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन अभी जो आप मुझे रिकॉर्डिंग करता पाएंगे वो आप इससे पाएंगे।
और मैं इसके जो फीचर इसकी जो तस्वीरें हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे पेज पर अपलोड करूँगा, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर मैं आपको इस कैमरे की और कुछ खासियात बताना चलूँ तो मैं इससे चंद ये होंगी कि अगर आप इसको मैनुअली जूम इन और जूम आउट करना चाहें तो आप इसको घुमाते हुए कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है मतलब उसको अगर आप ऊपर करेंगे तो जूम करेगा, जूम इन करेगा, अगर आप इसे नीचे दबाएंगे तो ये जूम आउट करेगा। खवातीन मैं देख सकता हूँ कि इसकी जो वो है क्वालिटी पीछे की वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर है हमारा AF या फिर MF और नीचे हमारा AL मोड। मुझे यकीन है कि आप इससे तो वाकई सही होंगे। खातीन मैं इस कैमरे से बहुत खुश हूँ और मैं आपको एक ही नसीहत करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ लेने जाएँ तो प्लीज़ उस चीज़ को ख़रीदने से पहले पूरी उसके ऊपर छानबीन और उसके ऊपर रिसर्च करें, ताकि आप जब चीज़ ले लें तो फिर आपको लेने के बाद दुख ना हो। और मैं आपसे एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि जब आप कोई चीज़ लें और थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो तो प्लीज़ उसका जो डब्बा है वो ना फेंकें। और नाज़रीन ख़वातीन जब आप एक कैमरा अपना स्टैंड पर चढ़ा रहे हों तो प्लीज़ अपना कैमरे स्टैंड पकड़े या ना पकड़े कर कैमरा ज़रूर पकड़ें। और इस तरह हमारा जो कैमरा है वो स्टैंड पर फिक्स आ जाएगा, हम चाहे तो फिर इसको रोटेट कर सकते हैं। बिल्कुल एक बॉल की तरह बन जाएगा। मैं आपको दिखाता चलूँ इससे नाज़रीन ख़वातीन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रिव्यू और अनबॉक्सिंग की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आपसे ये चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों में बांटिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस बटन को ज़ोर से दबा दीजिए और अपने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आप मेरी अगली फ्यूचर में मेरी वीडियोज़ के सबसे पहले देखने वाले व्यूअर हों। अल्लाह।